हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द मांडवी क्लासेस। मांडवी क्लासेस में आपको स्वागत। आज में हम लोग का टॉपिक है प्रोग्रामिंग विथ जावा। में हम लोग टॉपिक नंबर 6 पढ़ेंगे इस वीडियो ट्यूटोरियल में, क्लास एंड ऑब्जेक्ट इन जावा। इसमें हम लोग देखें क्लासेस कैसे क्रिएट करते हैं और क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, इस बारे में हम लोग विस्तार से और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो आगे हम लोग अपना आज का एजेंडा हम लोग आज का देखते हैं। एजेंडा में आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे इस चीज़ के बारे में देखते हैं। हम लोग आज पढ़ेंगे एक पहला इंट्रोडक्शन ऑफ क्लास, क्लास का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे क्लास का इंट्रोडक्शन और क्रिएशन ऑफ क्लास, क्लास का कैसे कैसे क्रिएशन हो करते हैं। उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का क्या इंट्रो है, क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट और सारे से टॉपिक से रिलेटेड एक प्रोग्राम, हर एक वीडियो ट्यूटोरियल के अनुसार एक प्रोग्राम देखेंगे, जैसे हर एक बार देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं आगे इंट्रोडक्शन ऑफ क्लास। क्लास क्या लिखा है, क्लास आर ए ब्लूप्रिंट और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू बिल्ड ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लास जो है ब्लूप्रिंट है किसी भी ऑब्जेक्ट का। ब्लूप्रिंट क्लास ही होता है, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट क्लास ही होता है। जैसे हम लोग एक क्लास में बहुत सारे ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं, पर एक ऑब्जेक्ट में क्लास नहीं डिक्लेयर कर सकते, बट एक क्लास में बहुत सारे ऑब्जेक्ट को हम लोग डिक्लेयर कर दें। ये जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम, क्लास जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो कि हम लोग रियल लाइफ, जो हम लोग का रियल लाइफ एंटिटीज है, यानी जो हम लोग का रियल लाइफ है, उससे मिलता जुलता होता है क्लास। ठीक है, क्लास इन जावा डिटरमाइंस हाउ एन ऑब्जेक्ट विल बिहेव। जावा में जो क्लास है वो डिटरमाइन, वो बतलाता है ऑब्जेक्ट किस तरह से बिहेव करेगा, ऑब्जेक्ट कैसे बिहेव करेगा, व्हाट द ऑब्जेक्ट विल कंटेंट, ऑब्जेक्ट कैसे बिहेव करेगा और ऑब्जेक्ट क्या कंटेंट करेगा, यानी ऑब्जेक्ट अपने अंदर किस किस चीज़ को रखेगा, उसके कौन कौन से डाटा को रखेगा, उस चीज़ को ये क्लास ही डिसाइड करता है, कंटेंट यानी रखना। ठीक है, इट डज नॉट टेक एनी स्पेस इन मेमोरी। जब तक क्लास है वो किसी भी मेमोरी, जब तक कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता है क्लास के अंदर, तब तक वो जो है कोई मेमोरी आपके रैम में, आपके कंप्यूटर में कोई मेमोरी स्पेस वो टेकन नहीं करेगा, यानी कोई मेमोरी स्पेस वो क्लास नहीं लेगा जब तक ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करता है। ठीक है, वी कैन थिंक ऑफ द क्लास एज स्केच ऑफ हाउस। हम लोग समझें इसको, क्लास को इस ढंग से हम लोग समझें, एक घर हुआ, एक घर हम लोग बनाते हैं, कोई भी घर, घर का घर जब बनता है तो उसका स्केच तैयार करते हैं। ठीक है, तो क्लास वही घर का एक स्केच हुआ। ठीक है, क्लास वही घर का एक स्केच हुआ। इट कंटेन्स ऑल द डिटेल्स अबाउट उस फ्लोर्स, विंडोज एटसेट्रा। उसी क्लास के, उसी स्केच के अंदर, जब हम लोग स्केच यानी मैप, जब हम लोग मैप बनाते हैं किसी भी घर का मैप बनाते हैं, तो मैप के अंदर क्या कहता है, फ्लोर्स कितना होगा, डोर कितना होगा, विंडोज कितना होगा, यानी रूम कितना होगा, क्या वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ उसमें डिस्क्रिप्शन देते हैं उस हाउस का। ठीक है, तो वो जो हाउस बनाते हैं, वो स्केच जो तैयार करते हैं हाउस का, तो उसको हम लोग क्लास समझे। ठीक है, और उसका जो डिस्क्रिप्शन, बिल्डअप डिस्क्रिप्शन, यानी बिल्ड करने के लिए, हाउस बनाने के लिए जो उसमें डिस्क्रिप्शन डालते हैं, उसको हम लोग ऑब्जेक्ट समझे। समझ गए इस बात को। अब एक चीज़ और से हम समझाते हैं, जैसे हम कोई भी मोटरसाइकिल या कोई चीज़ मार्केट में ख़रीदने गए, एक गाड़ी, एक मोटरसाइकिल ख़रीदने गए, तो उसका बिहेवियर देखें, वो गाड़ी कितने स्पीड में चलता है, उसका क्या स्पीड है, उसका क्या कलर है, वह कितना माइलेज देता है, इसी यही वगैरह वगैरह चीज़ देखते हैं। तो माइलेज, कलर, स्पीड, ये सारा चीज़ है, वो एक ऑब्जेक्ट हो गया, वो जो गाड़ी है एक क्लास समझ, उसी गाड़ी क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट का बिहेवियर है। ठीक है, समझ गए इस बात को।
तो एक क्लास के अंदर बिहेवियर ऑब्जेक्ट वही क्लास डिसाइड करेगा किस, ठीक है। अब हम लोग क्लास के और आगे बढ़, क्लास हम लोग का टाइप्स ऑफ क्लास, यानी क्लास हम लोग को दो टाइप से, क्लास हम लोग का मेनली दो टाइप है, एक यूजर डिफाइंड क्लास, एक प्री डिफाइंड क्लास। यूजर डिफाइंड क्लास क्या है, जो जो क्लास यूजर के द्वारा डिफाइंड हो, यानी जो क्लास जावा प्रोग्रामर, यानी हम लोग आप लोग जो जावा को प्रोग्राम करते हैं उसे जावा प्रोग्रामर बोलते हैं, ठीक है। और यूजर, जावा प्रोग्रामर या यूजर के द्वारा द्वारा जो क्लास को डिफाइन किया जाता है उसी को हम लोग यूजर डिफाइन क्लास कहते हैं, ठीक है। यूजर डिफाइन क्लास कैसे होगा, जो क्लास नेम, क्लास नेम हम लोग लिखते हैं टेस्ट डेमो के, ये सारा जो क्लास नेम है इसमें क्या क्या चीज डलाएगा, कैसे कैसे ये काम करेगा, ये सारा हम लोग पर निर्भर करता है। हम लोग जैसे इसको काम करवाएंगे उस ढंग से ये काम करेगा, ठीक है। ये यूजर डिफाइंड क्लास हो गया। प्री डिफाइंड क्लास का किसे कहते हैं, एक क्लास विच इज डिफाइंड और क्रिएटेड बाय जावा, जावा प्रोग्रामिंग, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो जो क्लास पहले से डिफाइन कर दिया गया है उसको एज, जैसे पहले से डिफाइन कर दिया गया उसी को हम लोग प्री डिफाइंड क्लास कहते हैं। प्री डिफाइंड क्लास क्या क्या है, स्कैनर हुआ, कंसोल हुआ, सिस्टम हुआ एंड स्ट्रिंग, ये सारा चीज़ प्री डिफाइंड क्लास हुआ। ये प्री डिफाइंड जो क्लास है, स्कैनर, कंसोल, सिस्टम और स्ट्रिंग, इसमें हम लोग को कुछ नहीं करना पड़ता है। ये एज यूजुअल जिस जैसे इसका जो वर्क इसको डिफाइंड पहले से कर दिया गया उस वर्क में एज यूजुअल हम लोग को जाके प्रोग्रामिंग में इसको वहाँ से उठा के इसको सिर्फ यूज करना पड़ता है, ठीक है। इसी को हम लोग प्री डिफाइंड कहते हैं। प्री डिफाइंड यानी जो पहले से डिफाइन किया गया है उसी को हम लोग प्री डिफाइंड क्लास कहेंगे। इस बात को समझ गए होंगे। और यूजर डिफाइंड या जो हम लोग जिस क्लास को क्रिएट करते हैं, जो क्लास यूजर के द्वारा क्रिएट है, यानी जावा प्रोग्रामर या किसी यूजर के द्वारा जो क्लास क्रिएट है उसी को हम लोग यूजर डिफाइंड क्लास कहते हैं। इस बात से समझ गए होंगे। अगर अब हम लोग क्रिएशन ऑफ क्लास, क्लास को क्रिएट कैसे करते हैं इस बारे में हम लोग जाने। क्लास को क्रिएट हम लोग को, हम लोग क्लास, कोई भी क्लास जब हम लोग क्रिएट करते हैं तो हम लोग को फील्ड्स एंड मेथड्स, फील्ड्स एंड मेथड्स का हेल्प लेकर हम लोग को क्लास को क्रिएट करना होता है, ठीक है। फील्ड्स एंड मेथड्स को ही लेकर हम लोग क्लास क्रिएट। हियर फील्ड इज कॉल्ड वेरिएबल। फील्ड क्या कहता है, वेरिएबल। फील्ड को हम लोग वेरिएबल कहेंगे। बिना वेरिएबल के कोई भी क्लास नहीं बनेगी या कोई भी प्रोग्रामिंग नहीं बन पाएगा। और मेथड को कहेंगे स्टेट एंड बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट, वो किस तरह से बिहेव करेगा ऑब्जेक्ट पर उसी को हम लोग मेथड कहेंगे, ठीक है। फील्ड्स आर यूज टू स्टोर डाटा, आपको वेरिएबल जो है वो डाटा को स्टोर करने में यूज होता है। जब हम लोग वेरिएबल्स का यूज करेंगे तभी वो जो है क्लास जो है रैम में स्पेस लेगा, ठीक है। वो तभी जितना स्पेस वो एक स्पेस ले लेगा और उसी स्पेस में फुल प्रोग्रामिंग को डिजाइन करेगा, फुल प्रोग्रामिंग को बनाएगा, ठीक है। इसी को हम लोग जब तक वेरिएबल नहीं उसमें क्रिएट करेंगे तब तक सिंगल क्लास वो कोई स्पेस नहीं लेगा, ठीक है। आफ्टर वेरिएबल क्रिएशन के बाद ही वो स्पेस लेगा। इस बात को समझ गए। उसके बाद आता है मेथड्स आर यूज टू परफॉर्म सम ऑपरेशन, ठीक है। मेथड्स की मदद से ही हम लोग कोई भी ऑपरेशन क्लास के अंदर, ऑपरेशन मतलब कार्य, क्लास के अंदर कोई भी जो ऑपरेशन हम लोग करते हैं वो मेथड्स के ही मदद से करते हैं, ठीक है। अब इसका हम लोग क्लास का सिंटैक्स देख लें। क्लास लिखेंगे, क्लास नेम, क्लास नेम यूजर डिफाइंड होगा, जो भी नाम हम लोग क्लास को चाहे वो नाम दे सकते हैं, इसमें इसमें कोई रोक ठोक नहीं। बट जो नाम हम क्लास का देंगे, परंतु जो भी नाम हम लोग क्लास का देंगे उसी नेम से उस प्रोग्राम को हम लोग को सेव करना पड़ेगा, यानी डॉट जावा। यानी हम लोग क्लास नेम, क्लास क्लास नेम दिए तो नेम डॉट जावा करके उस प्रोग्राम को हमको सेव करेंगे और तभी उस प्रोग्राम को रन करेंगे। जो भी क्लास का नेम रहेगा उसी नेम से प्रोग्राम सेव होगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद फील्ड्स एंड मेथड्स का यूज करते हैं।
अब हम लोग ये आपका क्लासेस पूरा हो गया यही ही, और इसके आगे जो क्लास का जो भी प्रोग्राम, इसके आगे हम प्रोग्राम को देखेंगे क्लास का, जो कि हम लोग इस वीडियो के अंत में लाइव प्रोग्राम करके हम लोग क्लास का देखेंगे। अब हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्ट। इंट्रोडक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास। ऑब्जेक्ट जो है क्लास का ही इंस्टेंस है, बिना क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो पाएगा। ऑब्जेक्ट इज इंस्टेंस ऑफ एनी क्लास, ठीक है। बिना क्लास के कोई भी ऑब्जेक्ट तैयार नहीं। एक क्लास के अंदर हम लोग बहुत सारे ऑब्जेक्ट को तैयार कर सकते हैं। एन ऑब्जेक्ट इन ओब्स इज नथिंग बट सेल्फ कॉन्टेंट कंपोनेंट व्हिच कंसिस्ट ऑफ मेथड एंड प्रॉपर्टीज, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओब्स के अंदर ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है, पर तब पर भी ऑब्जेक्ट तो सेल्फ कॉन्टेनेंट कंपोनेंट है। वो अपने अंदर बहुत सारे कंपोनेंट को रखता है, जिसको कि मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज बोलते हैं, जो कि पार्टिकुलर टाइप ऑफ डाटा होता है, जो कि हर एक टाइप का डाटा होता है, जो कि हम लोग को पूरे प्रोग्राम में यूजफुल हो और यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, कलर नेम, टेबल, बैग एंड बार्किंग। जब हम लोग कलर का जो भी नेम है, टेबल है, बैग है, ये सारा चीज़ ऑब्जेक्ट। हम लोग के चारों तरफ जितना भी चीज़ है, जितना भी थिंग्स हम लोग के चारों तरफ, वो सारे चीज़ को ऑब्जेक्ट्स को ही कहा जाता है। When you send a message to an object, you are asking the object to invoke and execute one of its method defined in the class. जब हम लोग कोई भी मैसेज ऑब्जेक्ट को भेजते हैं, तब हम लोग ऑब्जेक्ट को कहते हैं जो भी काम है वो क्लास में जो भी कार्य को डिफाइन किया गया है, उस कार्य को आप कीजिए और उस कार्य को आप करवाइए, ठीक है। हाँ, इस यही ऑब्जेक्ट का काम है। हम ऑब्जेक्ट को और भी अच्छे से, फॉर एग्जाम्पल, सपोज बाइसिकल इज ए क्लास, दैट माउंटेन बाइसिकल, स्पोर्ट्स बाइसिकल, ट्रोरिंग बाइस कह सकता है, कॉन्सिट ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। अगर बाइसिकल एक क्लास हो गया, तो उसके अंदर जो भी आएगा, माउंटेन बाइसिकल, स्पोर्ट्स बाइसिकल, ट्रोरिंग बाइसिकल, सारा बाइसिकल का ही पार्ट्स है, बाइसिकल का ही मेथड्स है। इसलिए जो बाइसिकल है, उस बाइसिकल के ही अंदर सारा चीज आ जाएगी। यानी बाइसिकल एक क्लास है, उसके अंदर जो भी मेथड्स यूज किया गया, वो सारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट करेंगे? ऑब्जेक्ट मीन्स स्टोरिंग डाटा इन टू द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्रिएशन यानी डाटा को ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग क्रिएट करते हैं, उसी को हम लोग स्टोर करते हैं। ऑब्जेक्ट के अंदर जब डाटा को हम लोग स्टोर करते हैं, तो उसी को इनिशियलाइजिंग ऑब्जेक्ट करते हैं। जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करते हैं, तब उसका जो रेफरेंस वेरिएबल है, उसी को कॉल करके उस ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करते हैं। एज मेंशन प्रीवियसली, क्लास प्रोवाइड्स द ब्लूप्रिंट ऑफ फॉर ऑब्जेक्ट। हम लोग पहले से जानते हैं क्लास जो है ब्लूप्रिंट है ऑब्जेक्ट का। सो बेसिकली, इसलिए ऑब्जेक्ट जो है क्लास के ही थ्रू क्रिएट होता है। ऑब्जेक्ट जो है क्लास के ही थ्रू क्रिएट होता है। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम लोग को तीन मेथड चाहिए। एक पहला मेथड डिक्लेरेशन, ये वेरिएबल को हम लोग डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल नेम विथ एन ऑब्जेक्ट है। कोई भी वेरिएबल को हम लोग डिक्लेयर करते हैं, उसके बाद उस वेरिएबल को द न्यू कीवर्ड यूज टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट, उस न्यू कीवर्ड से हम लोग उस ऑब्जेक्ट का क्रिएशन करते हैं। उसके बाद फिर न्यू कीवर्ड से इनिशियलाइजेशन करके वो कंस्ट्रक्टर के मदद से उस ऑब्जेक्ट को कॉल करते हैं। ये जो कंस्ट्रक्टर है, इस कंस्ट्रक्टर के बारे में हम लोग और भी अच्छे से नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे, कंस्ट्रक्टर को कॉल कैसे करते हैं और ये कंस्ट्रक्टर क्या होता है। यहाँ हम लोग सिंपल सा मेथड जाने। कंस्ट्रक्टर मीन्स किसी भी क्लास को या किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना हो या कॉल करना हो,
तभी हम लोग कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं, क्रिएशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, न्यू कीवर्ड, क्रिएशन ऑफ द न्यू कीवर्ड जो है उसी को हम लोग कंस्ट्रक्टर कहते हैं, या क्रिएशन ऑफ द न्यू ऑब्जेक्ट जो होता है उसी को हम लोग कंस्ट्रक्टर कहते हैं। इसके बारे में और भी अच्छे से हम लोग जब अपना नेक्स्ट क्लास कंस्ट्रक्टर का करेंगे तब उसमें हम लोग कंस्ट्रक्टर के बारे में जानेंगे। अब हम लोग का आता है प्रोग्राम ऑन रिलेटेड टॉपिक। जो हम लोग का टॉपिक है, ये जो हम लोग क्लास पढ़े अभी, ऑब्जेक्ट पढ़े, ये सारा जो क्लास एंड ऑब्जेक्ट का अभी थियोरिटिकल चीज पढ़े, अब इस पर हम लोग प्रोग्राम भी देख लेते हैं, इस पर प्रोग्राम कैसे बनता है। देखिए ये हम एक प्रोग्राम बनाए हैं, ये प्रोग्राम क्या है, यहाँ क्लास एम्प्लॉय, क्लास का नाम एम्प्लॉय रखे हैं, इंट आई डी इंटीजर या जो इनिशलाइज किए हैं, इनिशलाइजेशन के बारे में जो बतलाए थे इनिशलाइज करेंगे, उसमें इंट आई डी इंटीजर आई डी है, स्ट्रिंग नेम दिए हैं, फ्लोट सैलरी स्ट्रिंग में नेम दिए हैं, फ्लोट में सैलरी दिए हैं, क्योंकि सैलरी हमेशा डेसिमल पॉइंट में भी आ सकता है सैलरी, इसलिए इसको फ्लोट में लिखें। उसके बाद वाइड इंसर्ट लिखे, इंट आई या इंसर्ट में इंटीजर स्ट्रिंग और फ्लोट ऐसे इंसर्ट कर, आई डी आई इजकल टू आई नेम इजकल टू वाइड वाइड डिस्प्ले एक ऑब्जेक्ट है जो कि हम लोग क्रिएट किए हैं वाइड डिस्प करके। ये सिंपल सा जो डिस्प्ले का फंक्शन है, वाइड डिस्प्ले फंक्शन का यूज करके ये जो नेम एंड सैलरी को ये डिस्प्ले करेगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये जो क्लास, ये इसका जो है हम लोग यहाँ ऑब्जेक्ट को क्रिएशन करते हैं, क्लास टेस्ट एम्प्लॉय पब्लिक स्टैटिक वॉइड एम्प्लॉय, ऊपर से जो एम्प्लॉय है सेम टू सेम नीचे एम्प्लॉय लिए हैं, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट क्रिएशन यहाँ करें ई बराबर न्यू न्यू एम्प्लॉय, ठीक है। फिर एम्प्लॉय ई टू बराबर न्यू एम्प्लॉय फंक्शन दिए, फिर एम्प्लॉय ई थ्री बराबर एम्प्लॉय फंक्शन दिए, ई वन इंसर्ट 101 अजीत 45,000, यानी ये जो है इसका आईडी है, इंट आईडी जो है आईडी जो है आई बराबर ये 101 है, इसका नेम है स्ट्रिंग में नेम दिए हैं जो कि अजीत है, और सैलरी इसका 45,000, इंट आईडी इंटीजर आईडी इसी को कॉल करके हम लोग यहाँ E1 लिखे हैं, ठीक है, सॉरी इसी को कॉल करके हम लोग यहाँ 101 लिखे हैं। ये आपका क्लास एंड ऑब्जेक्ट का एक छोटा सा एग्जाम्पल का प्रोग्राम हो गया। फिर हम लोग यहाँ ऑब्जेक्ट को कॉल करके डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किए ताकि सारा चीज़ जो है डिस्प्ले अच्छे से कर दे, ठीक है। यही एक क्लास एंड ऑब्जेक्ट का एक छोटा सा प्रोग्राम हो गया। अब इसको हम लोग रन करके देखते हैं ये रन कैसे करता है। अब इसको हम लोग रन करवाएंगे, यहाँ रन में एफ में इसको सेव किए हैं, इसीलिए इसको अब हम रन करवाएंगे, क्या जावा सी लिखेंगे। जावा सी लिख दिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ हम लोग लिखेंगे टेस्ट एम्प्लॉय डॉट जावा, क्योंकि ये टेस्ट एम्प्लॉय के नाम से इसको हम लोग सेव किए हैं, टेस्ट एम्प्लॉय टेस्ट एम्प्लॉय डॉट जावा। इसमें कोई भी ईरर्स नहीं है, ईरर्स नहीं रहने के कारण ये आराम से रन कर गया। अगर ईरर्स रहता इसमें तो ये रन नहीं कर पाता। उसके बाद हम लोग यहाँ जावा लिखेंगे, जावा लिखने के बाद टेस्ट एम्प्लॉय लिखेंगे, देखिए यहाँ अजीत आ गया, अजीत वॉइड डिस्प्ले E1 डॉट डिस्प्ले दिए हैं, तो यहाँ अजीत आ गया 101, और अजीत का सैलरी जो 45,000 है इसको फ्लोट में लिखें, इसलिए 0.0 आया है तीनों में। अगर इसको फ्लोट में नहीं लिखते तो यहाँ 0.0 नहीं आता, ठीक है। ये जो डिस्प्ले कर रहा है
ये जो आपको ये जो डिस्प्ले कर रहा है अजीत 100 145,000, ये इसी फंक्शन के कारण का है, यूट डॉट डिस्प्ले, ठीक है, इसी फंक्शन के कारण ये डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। ये हम लोग का छोटा सा एक प्रोग्राम था जो कि हम आपको बतलाए हैं, और क्लास एंड ऑब्जेक्ट के अंदर एक छोटा सा ये प्रोग्राम है। और भी प्रोग्राम्स हैं जिसको कि मैं बाद में डिस्कस करूँगा, कंस्ट्रक्टर के क्लास में ही डिस्कस करूँगा। अब अगर ये वीडियो ट्यूटोरियल आप लोग को पसंद आया हो तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। उसके बाद अगर इस ट्यूटोरियल में आपको कुछ समझ में नहीं आया हो, इस पूरे क्लास में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो, तो वो हमको कमेंट मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं, तो हम आप लोग का जो परेशानी होगी, जो क्वेरी होगी, वो जल्द से जल्द दूर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, गुड नाइट।